हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में यूनिट थर्ड में हमें एक एक्ट देखने को मिलता है और वो एक्ट हो जाता है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में ये एक्ट आया था, जिसे हम जानते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से। सो ये टॉपिक, ये यूनिट इम्पोर्टेंट हो जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिजनेस लॉ या फिर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इस एक्ट को स्टडी करते हैं या फिर ये एक्ट उनके सिलेबस में आ जाता है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ग्रेजुएशन लेवल BBA एंड BCom के स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया और क्या रीजन था इस एक्ट के आने से पहले, इस एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए क्या रीजन रहे हैं, कौन से एक्ट को, कौन से सेक्शन को रिपील करके ये एक्ट न्यू रेडी हुआ है। ये सभी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये एक्ट देखने को मिलता है यूनिट थर्ड ऑफ बिजनेस लॉ। सो यूनिट थर्ड में अगर मैं बात करूं, हमें पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 देखने को मिलता है, जिसमें हमने डिस्कस करना है उसके डेफिनेशन, फीचर्स, सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है सेल का कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आप कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस कैसे, अनपेड सेलर कौन होते हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं एंड ऑक्शन सेल क्या होती है, ये सारा सब कुछ हमें स्टडी करना है यूनिट थ्री में। यूनिट थ्री ये बीबीए का सिलेबस हो जाता है सेम फर्स्ट का, जिसमें हमें ये सभी कुछ स्टडी करना होता है। सो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन है, क्या बैकग्राउंड है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। देखिए, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उस एक्ट की तो प्लीज देख लीजिएगा। मैंने कंप्लीट एक्ट की वीडियोस पोस्ट करी हुई है जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम होपफुली, मैं पूरा ट्राई करूंगी ज्यादा से ज्यादा ये एक्ट डिस्कस करूं। आपका एग्जाम भी आने वाला है बिजनेस लॉ का, सो जितना हो पाएगा उतना मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगी अबाउट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो भी सेक्शंस हैं या फिर उससे पहले जो एक्ट हुआ करता था, वो एक्ट था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आपने पूरा नेम इसका सुना, सेल्स ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की सेल्स से रिलेटेड ये एक्ट है, गुड्स के सेल एंड परचेज से रिलेटेड ये एक्ट है, जो कि पहले डील किया जाता था अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मेन सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो भी सेक्शंस थे वो पहले सेक्शंस 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, बट 1930 में सेक्शन 76 से लेकर 123, सेक्शन ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 76 से लेकर 123 तक के सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिए गए, रिपील्ड कर दिए गए, उनको सेपरेट कर दिया गया और सेपरेशन के बाद इसके लिए एक अलग से एक्ट तैयार हुआ और वो एक्ट था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्लियर हुआ होगा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सारे सेक्शन कहां से आए हैं। वो सेक्शन आए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। कौन कौन से सेक्शन रिपील्ड किए गए हैं, तो सेक्शन 76 से लेके 124 तक के जितने भी सेक्शन हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उनको रिपील करके उनको सेपरेट कर दिया गया और एक न्यू एक्ट फॉर्म करा गया, सेल्स से रिलेटेड गुड्स की सेल्स से रिलेटेड न्यू एक्ट फॉर्म हुआ और उस एक्ट का नेम रखा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये एक्ट पास हुआ 1930 में। अब इस एक्ट में अगर टोटल चैप्टर की बात करी जाए तो यहाँ पर टोटल 7 चैप्टर्स हो जाते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, और अगर मैं बात करूँ सेक्शंस की तो टोटल 66 सेक्शंस हो जाते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ये एक्ट एप्लीकेबल है इंटायर होल ऑफ द इंडिया पर, इंक्लूडिंग J&K। इस एक्ट का मेन एम जो है वो यही है कि डेवलप करना ट्रेड एंड कॉमर्स हमारी कंट्री में। जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है प्रॉफिट मेकिंग की, ट्रेड से रिलेटेड उस एक्ट को गवर्न करता है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये हमने डिस्कस करा बैकग्राउंड ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके यूनिट थ्री से, चाहे वो ऑक्शन सेल का हो, चाहे वो क्वेश्चन आपके अनपेड सेलर का हो या फिर सेल और एग्रीमेंट टू
सेल का हो। सो ये इसका बैकग्राउंड था, ध्यान रखना है आपको। पहले जो ये सेक्शंस डील करते थे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ही डील किया करते थे, बट इन सेक्शन को रिपील्ड कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, और एक न्यू एक्ट बनकर तैयार हुआ, वो एक्ट था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो ये कुछ बैकग्राउंड था। अब स्टडी के मटेरियल पर आते हैं। सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है क्या? देखिए सेक्शन 4 बताता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में कि अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस। जब एक सेलर एग्री हो जाता है अपनी एक प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए और बदले में उसका प्राइस चार्ज करता है, बदले में उसका वैल्यू चार्ज करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल का मीन सभी को पता होगा, बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक्सचेंज करते हैं आपकी गुड्स का और बदले में उसके प्राइस या फिर वैल्यू हम देते हैं, यहाँ पर टू पार्टीज होती हैं, बायर एंड सेलर। सेक्शन 4 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, जहां पर एक पार्टी अपने गुड्स का ट्रांसफर करती है, एग्री होती है गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए अनदर पर्सन से, और चार्ज करती है उसके वैल्यू का कुछ प्राइस, उस एक्ट को बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका टू टाइप्स का होता है, ध्यान रखना है, जहां पर आ जाता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल। काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, तो आज मैं ये आपका डिफरेंस क्लियर करने वाली हूँ, कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ही इसके बारे में डिस्कस किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। सो अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की, कि सेल क्या होता है। सभी ने ये वर्ड सुना होगा, सेल क्या होता है। इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड बाय सेलर टू द बायर इमीडिएटली एट द कंक्लूजन कॉन्ट्रैक्ट। जब आप ऑन द स्पॉट किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी गुड्स का ट्रांसफर करते हैं और वो ट्रांसफर किया जाता है सेलर के द्वारा किसको, बायर को, मीन्स यहाँ पर टू पार्टीज हुई, सेलर एंड बायर। सेलर जब अपने गुड्स का, अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है बायर को इमीडिएटली और बदले में उसका पैसा चार्ज करता है, और उसका कॉन्क्लूजन ये आता है कि वो ओनरशिप उस प्रॉपर्टी की किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी जाती है, उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सेल। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल हिज हाउस टू बी, यहाँ पर टू पार्टीज है ए एंड बी। ए यहाँ पर सेलर हो जाता है, बी यहाँ पर बायर हो जाता है। ए अपने हाउस को सेल कर रहा है 10 लाख रुपीज में। इट इज अ सेल सिंस द ओनरशिप ऑफ द हाउस हैज बीन ट्रांसफर ए टू बी। जब वो ओनरशिप आपकी ट्रांसफर कर दी जाएगी ए से बी को, सो उस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा सेल। यहां पर आपको ध्यान रखना है सेल का जो प्रोसेस होता है वो इमीडिएट होता है, ये नहीं कि आप फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे। इमीडिएटली आपने कोई प्रॉपर्टी, आपने कोई गुड्स को ट्रांसफर किया सेकंड पर्सन को, और सेकंड पर्सन ने आपके उसकी वैल्यू का पैसा आपको दे दिया, वो आपका पूरा प्रोसेस कहलाता है सेल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बारी आती है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर के लिए होता है, मींस आप इमीडिएटली कोई भी यहां पर ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी बट होगी फ्यूचर में, उस सेल को बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल। सेल में जो भी आपका ट्रांसफर होता है वो इमीडिएट होता है, इमीडिएटली आप ट्रांसफर करते हैं, बट एग्रीमेंट टू सेल में वो आपकी सेल अपनी जगह बनाती है, टेक प्लेस करती है, बट वो करती है फ्यूचर में। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट द फ्यूचर डेट। जो इसमें मेन डिफरेंस है, सेल आपकी इमीडिएट होगी बट आपका एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर डेट पे होगा, वहां पर कोई कंडीशन होगी, वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद आपका सेल कंडक्ट होगा, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है वो एग्रीमेंट टू सेल होगा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आप कार परचेज करने जाते हैं, आपकी कार की डिलीवरी तुरंत के तुरंत नहीं होती, बुकिंग होती है 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करा के उसकी डिलीवरी लेते हैं, तो जिस दिन आपने वो कार बुक कर दी वो आपका कहलाएगा एग्रीमेंट टू सेल। और जब वो कार की आपके हाथ में आ गई, आप उसके ओनर बन गए, पेपर्स आपके हाथ में आ गए, वो कार आपके नेम पर हो गई,
वो पूरा प्रोसेस कहलाएगा सेल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ए एग्री टू बाय बी अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडा। ए एग्री हुआ बी से बाय करने के लिए नाइट्रेट सोडा एक सर्टेन क्वालिटी में। द शिप कैरिंग द नाइट्रेट ऑफ सोडा वे जस्ट टू अराइव। दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल। इन दिस केस द ओनरशिप ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडा इज टू बी ट्रांसफर टू ए ऑन द अराइवल ऑफ द शिप। अब ए ने बी से प्रॉमिस किया है कि वो नाइट्रेट सोडा उससे परचेज करेगा, बट यहाँ पर कंडीशन है कि जब वो शिप अराइव आ जाएगी, जब वो शिप अराइव हो जाएगी, उस टाइम पे वो पूरा जो प्रोसेस है सेल परचेज का वो वहां पर होगा। सो जब तक वो शिप अराइव नहीं होती वो आपका कहलाएगा एग्रीमेंट टू सेल, और शिप के अराइव होने के बाद जब आपका सेल परचेज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वो आपका कहलाएगा सेल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि सेल एंड सेल में क्या डिफरेंस है। आइए कुछ और अच्छे से क्लियर करने के लिए बेसिक डिफरेंस लिख लेते हैं। देखिए बेसिस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेल में आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएट होता है, मींस वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहीं एग्रीमेंट टू सेल में आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सम कंडीशन पर बेस होता है जो कि फ्यूचर में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड का मींस क्या होता है, जो चीजें परफॉर्म हो चुकी हैं, और एग्जीक्यूटरी जो आगे फ्यूचर में होने वाला है। टाइप्स ऑफ गुड्स यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स। ये अभी आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा। एग्जिस्टिंग गुड्स वो होते हैं जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, या फिर स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जो स्पेसिफिकली जिस वैरायटी की वजह से जाने जाते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ गुड्स में, इसी कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ सेल। जब आप सेल और परचेज का प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइम पे वो गुड्स प्रेजेंट हैं, वो गुड्स आपके कहलाते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। सो यहाँ पर सेल में जो गुड्स होते हैं वो आपके एग्जिस्टिंग या फिर स्पेसिफिक गुड्स होते हैं। एग्रीमेंट टू सेल में आपके फ्यूचर या फिर कॉन्टिंजेंट गुड्स होते हैं। देखिए कॉन्टिंजेंट गुड्स वो होते हैं जिनका होना या फिर ना होना किसी कंडीशन पर डिपेंड करेगा, या फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगी वो फुलफिल होने के बाद में आपको वो गुड्स वहां पर मिलेंगे, रिसीव होंगे, उन गुड्स को बोला जाता है कंटिंजेंट गुड्स या फिर फ्यूचर गुड्स, मींस जिसकी डिलीवरी आपकी फ्यूचर में होने वाली है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस हो जाता है रिस्क ऑफ लॉस। देखिए सेल्स में आपका लॉस का इतना कोई चांस नहीं होता है, बट फ्यूचर में आपका एग्रीमेंट टू सेल में लॉस का चांस ज्यादा होता है। इन अ सेल इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड द लॉस फॉल ऑन द बायर। अगर आपका सेल का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद जो भी लॉस हो रहा है वो आपका बायर का होगा, बट एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं होगा। लॉस बायर का नहीं होगा, सेलर का ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी अभी सेलर के पास है, बायर के पास में नहीं गई है। सो यहाँ पर रिस्क ऑफ लॉस किसके पास ज्यादा हुआ या किस कंडीशन में ज्यादा हुआ, सेल की कंडीशन में ज्यादा हो जाता है बायर के प्रस्पेक्टिव से। और अगर मैं बात करूं सेलर के प्रस्पेक्टिव से, सो एग्रीमेंट टू सेल में सेलर का लॉस ज्यादा होता है। ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं ब्रीच में। इन अ सेल द बायर फेल्स टू पे द प्राइस ऑफ गुड्स, और इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर द सेलर कैन सू फॉर द प्राइस इवन दो द गुड्स आर स्टिल इन हिज पोसेशन। अगर आपका सेल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सेल की कंडीशन में आप उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, ऑल्दो वो गुड्स आपके पास है, बट एग्रीमेंट टू सेल में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुड्स आपके पास में है ही नहीं, जो आप पर केस कर सकता है वो ओनली सेलर होगा, बट सेल में आपका केस बायर भी कर सकता है। बट एग्रीमेंट टू सेल में ओनली केस रजिस्टर किया जाएगा या फिर शू किया जाएगा ओनली बायर के द्वारा ही। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो जाता है आपका सेल और एग्रीमेंट टू सेल में। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट्स हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। देखिए यहाँ पर टू पार्टीज होंगी, फर्स्ट वन इज बायर एंड सेकेंड वन इज सेलर। बायर कौन होगा, वो पर्सन जो कि आपसे परचेज कर रहा है, और सेलर कौन होगा, जो कि सेल कर रहा है। यहाँ पर गुड्स होंगे। देखिए अगर गुड्स नहीं होंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पर बात हो रही है ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज की, यहाँ पर सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। इस एक्ट में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया है, उसके लिए अलग से एक्ट है। यहाँ पर केवल इन्वॉल्व किया गया है विजिबल गुड्स को।
ट्रांसफर होगा यहाँ पर प्रॉपर्टी का, अगर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा तो यहाँ पर गुड्स को 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रॉपर प्राइस होगा यहाँ पर, कुछ भी आप फ्री सेवा नहीं होगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर, वो ही गुड्स इंक्लूड होंगे जिनका प्रॉपर वैल्यू होगा, जिसके बदले में आप उनको वो ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, सेल की प्रक्रिया वहां पर कंप्लीट होगी। सो वहां पर प्राइस का होना कंपलसरी हो जाता है और वो सभी एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होने जरूरी है। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, वॉलेंट्री एग्जिस्टेंस होना चाहिए, कोएशन नहीं होगा, हर एक पर्सन हर एक सेल और परचेज का जो भी प्रोसेस होगा वो वॉलेंट्री होगा। सो ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हो जाते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, और ये हमने डिस्कस किए हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब हम डिस्कस करते हैं गुड्स के बारे में। देखिए गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो प्रॉपर्टी होती है जो कि 1% टू अनदर पर्सन आप ट्रांसफर करते हैं। अगर मैं गुड्स के सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 7 बात करता है अबाउट गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स के टाइप्स, ये सब बताते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो देखिए गुड्स क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब है यहाँ पर हर एक काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। उसमें आपकी ग्रोइंग क्रॉप्स भी हो सकती हैं, फार्मिंग पार्ट्स भी हो सकते हैं, वो सभी पार्ट्स जो कि लैंड से अटैच्ड हैं, या फिर वो सभी प्रॉपर्टीज जो कि मूवेबल नेचर की हैं, वो सभी आपके कहलाते हैं गुड्स। सो गुड्स इज बेसिकली वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, चाहे वो आपकी ग्रोइंग क्रॉप्स हो, चाहे वो आपकी स्टॉक्स हो, शेयर्स हो, या फिर मनी हो, या फिर अटैच टू दी और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, चाहे वो लैंड से अटैच्ड हो या फिर आप उसको फॉर्म कर रहे हैं, कुछ और सर्व करने वाले उस लैंड से बाद में, कोई सीड्स है उस सीड्स का कुछ भी आप ग्रो करके कोई भी ट्री बना के उसके फ्रूट्स को आप सर्व करने वाले हैं, आगे उसे सेल करने वाले हैं, तो वो भी आपके गुड्स कहलाते हैं। ये बताया गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ गुड्स की, कि कितने टाइप्स के आपके गुड्स होते हैं। टोटल 3 टाइप्स के आपके गुड्स होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स और अनएसर्टेन गुड्स। सो सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स की। देखिए एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जब आपने सेल परचेज की आपकी एक्टिविटी हो रही है उस टाइम पर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पर वो वहां पर अवेलेबल है, उन गुड्स को बोला जाता है एग्जिस्टिंग गुड्स। अब ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए स्पेसिफिक गुड्स, देखिए स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर कुछ भी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स उनमें होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कार परचेज कर रहे हैं, उसकी रेस की वजह से उसे परचेज कर रहे हैं, वो आपके गुड्स कहलाएंगे स्पेसिफिक गुड्स। एसर्टेन और अनएसर्टेन क्या होते हैं? देखिए जो आप बल्क में परचेज कर रहे हैं वो आपके कहलाते हैं एसर्टेन गुड्स, और जो आप बल्क से सेपरेट करके परचेज कर रहे हैं वो आपके गुड्स कहलाते हैं अनएसर्टेन या फिर जेनरिक गुड्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में। अब हम फर्दर बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ गुड्स की, जो कि आपके हो जाते हैं फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स। देखिए फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सेल के प्रोसेस के दौरान वहां पर अवेलेबल नहीं थे, बट फ्यूचर में आपको डिलीवरी होगी, वो उनके चाहे मैन्युफैक्चरिंग चल रही हो या फिर उनके प्रोडक्शन का वर्क चल रहा हो, आपने कुछ भी ऑर्डर दे के बनवाया है, आपने कुछ भी मॉडिफाई करके बनवाया है, तो वो गुड्स आपके कहलाते हैं फ्यूचर गुड्स। गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड और एक्वायर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। मीन्स आपके कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद आपको फ्यूचर में जिन गुड्स की डिलीवरी होने वाली है वो गुड्स आपके कहलाते हैं फ्यूचर गुड्स। अब कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या होते हैं? देखिए कॉन्टिंजेंट अगर मैं बात करूं वर्ड की, सो ये अपोजिट वर्ड होता है एब्सोल्यूट के, मीन्स जो कि फिक्स नहीं है वो क्या है? कॉन्टिंजेंट है, मीन्स वो गुड्स जिनकी डिलीवरी किसी एक कंडीशन पे डिपेंड करेगी, मीन्स जिनका सेल परचेज का प्रोसेस किसी एक कंडीशन पर डिपेंड करता है
वो गुड्स आपके कहलाते हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लैंकेट परचेज करना चाहते हैं और वो ब्लैंकेट की डिलीवरी होने वाली है फॉरेन से, फॉर एग्जाम्पल चाइना से उसकी डिलीवरी होने वाली है, और वो डिलीवरी होगी बाय शिप, मीन जब आपका शिप आ जाएगा उसके बाद में आपको वो ब्लैंकेट वहां से मिलेगा। सो आपके ब्लैंकेट का परचेज होने का जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है? शिप के अराइवल पर। मीन्स अगर आपका शिप ठीक से वहां पर अराइव हो गया सो आप ब्लैंकेट उस टाइम पर परचेज कर पाएंगे। सो वो गुड्स आपके कहलाते हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स। गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ अनसर्टेन कॉन्टिंजेंसी, मीन्स जिसके बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस डिपेंड करता है किसी एक अनसर्टेन कंडीशन पर, उन गुड्स को वो गुड्स कहलाते हैं आपके कॉन्टिंजेंट गुड्स। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्ट 1930 के बारे में हमने डिस्कस करा है, हमने हिस्ट्री में देखा है कौन कौन से सेक्शन को रिपील कर दिया गया, न्यू एक्ट बना, किस एक्ट से मॉडिफिकेशन हुआ है, सेपरेट हुआ है सेक्शन 76 से लेके 123, टोटल 7 चैप्टर है इस एक्ट में, 66 सेक्शंस हैं। अब अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, हमने मीनिंग डिस्कस किया है, सेक्शन 4 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। टाइप्स की बात करूँ, 2 टाइप्स होते हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये भी हमने डिस्कस करा है, दोनों में डिफरेंस हमने देखा है क्या डिफरेंस है आखिर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। साथ ही हमने देखा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और लास्ट में हमने डिस्कस करा है अबाउट गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपकी हेल्प करेगी एग्जाम में, आप अच्छे से कर पाएंगे। इससे आगे का हम पार्ट डिस्कस करेंगे अनदर वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।